जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में सबका स्वागत है। एक और नई जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये हर्ष शुक्ला जी की है। हर्ष शुक्ला जी, आपने जो डिटेल दी है उसका मैच कीजिए। 13/6/1999, 11:35 AM, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। IAS की आप तैयारी कर रहे हैं 2020, 2021, 2022, आपने पेपर का समय बताया है। आपने जो बर्थ डिटेल दी है उसके अनुसार आपका जो लग्न है सिंह लग्न है, राशि आपकी वृषभ राशि, सूर्य चंद्रमा एक साथ कर्म भाव में उपस्थित, लग्न आपका 20 डिग्री का है तो मजबूत लग्न है, सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र में, मंगल तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठा हुआ सप्तम दृष्टि से अपनी राशि मेष को देख रहा है। आपके जो जन्मांक है उसमें शनि भाग्य भाव में नीच के होकर बैठे हैं गुरु के साथ। गुरु नवम भाव में बलि हो जाते हैं। नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो गुरु मीन राशि में अर्थात अष्टम भाव में नजर आ रहे हैं। तो षडबल में गुरु के पास बल ज़्यादा है। अमावस्या तिथि पर आप पैदा हुए, नक्षत्र रोहिणी का है जो कि चंद्रमा का है। चंद्रमा उच्च राशि में स्थित है लेकिन अस्त है। महादशा जो चल रही है राहु की चल रही है 1/10/2026 तक, शुक्र की 19/4/2023 तक अंतर दशा चल रही है। अब बात करते हैं, देखो IAS की आपकी तैयारी की। यदि राहु की दशा नहीं चल रही होती तो आपके IAS में जाने के चांस और बढ़ जाते। मतलब गवर्नमेंट नौकरी आपकी है, पक्का है, राहु की वजह से उसमें देरी होगी। 2026 के बाद IAS के चांस बनेंगे, तैयारी करते रहिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। IAS के अलावा भी आप गवर्नमेंट टीचर, लेक्चरर आदि की तैयारी कर सकते हैं। गाय को काले तिल अवश्य खिलाइए, मैंने और भी वीडियो डाल रखी है राहु को शांत करने के उपाय, वो आप देखिए। फिलहाल गाय को काले तिल दूध के साथ आप अपने हाथों से खिलाइए। गुरु दिग्बली होकर बैठे हैं, सिंह लग्न है, वृषभ राशि है। गायत्री मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए क्योंकि राहु की महादशा है। नखून काट के रखिए और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। वस्त्र आदि साफ सुथरे रखिए, आपके पैर साफ रखें, इससे राहु अच्छा फल आपको देगा। सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें, आलस्य बिल्कुल भी ना करें। आंवले वाला भी वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप देखिए, आपको तुरंत लाभ उससे प्राप्त होगा। राहु की महादशा में, अंतरदशा में आंवले का प्रयोग भी बहुत अद्भुत रहा है। गौमूत्र का डेली आप सेवन कीजिए, अपने बिस्तरों पर छिड़किए, खाने पीने की चीज़ों में यूज कीजिए, उससे भी राहु अच्छा फल देगा। क्योंकि सिंह लग्न है, सिंह लग्न के लिए राहु अच्छा फल नहीं देते। 12वें भाव में बैठे हैं तो ये आपके काम में बाधा अवश्य पहुंचाएंगे, आपकी पढ़ाई में बाधा अवश्य पहुंचाएंगे। तो तैयारी कीजिए लेकिन राहु को रोकना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा।
शनि आपके सप्तमेश और खष्ठेश होकर नीच के होकर बैठ गए भाग्य भाव में, तो ये देरी करते हैं, तो 2026 के बाद में आपके चांस बनेंगे, आप तैयारी करिए अच्छे से, गवर्नमेंट नौकरी आपकी आईएएस की लग जाएगी। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, जितने भी बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, लंगड़े हैं, नौकर हैं, मजदूर हैं, उनकी मदद अवश्य करिए, पुरानी वस्तुओं का, जूते चप्पल जो हैं उनका दान कीजिए, नमक आदि का दान भी करें तो शुभ रहता है, हो सके तो शनि के सिंहनापुर शनि जो हैं उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा ताकि आपके भाग्य में कोई समस्याएं ना आए। तो बस कहें उम्मीद यही है, तो वीडियो जो है वो आप देखिए, आंवले का उपयोग कीजिए, गौमूत्र का उपयोग कीजिए, राहु की महादशा है तो शुद्ध सात्विक रहिए, टारगेट बनाकर पढ़ाई करिए, रात्रि में ज़्यादा जागरण ना करें, पढ़ाई पर ध्यान करें, राहु की महादशा बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। 2026 के बाद में बहुत अच्छा योग है आईएएस बनने का, तो तैयारी जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली कुंडली लेकर। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।